हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं डेटा साइंस सीरीज। और आज हम देखेंगे किसी स्ट्रिंग या किसी लिस्ट को हम रिवर्स में कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। बहुत जगह हमें किसी भी लिस्ट या स्ट्रिंग को रिवर्स करने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग स्किल में जाएँ तो आपको हर तरह की चीज़ें आनी चाहिए। तो आज हम देखेंगे किसी स्ट्रिंग को या किसी लिस्ट को कैसे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करते हैं। आप इसके थ्रू आप किसी टपल के आइटम को भी रिवर्स कर सकते हैं, टपल के भी आइटम को रिवर्स में कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नई फाइल क्रिएट करेंगे और इस फाइल में मैं एक स्ट्रिंग रख लेता हूँ str equals to, और मैं यहाँ पर रख लेता हूँ अपना नाम अरविंद। तो क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले प्रिंट करवाता हूँ। ये हमने इसको प्रिंट करवाया और मैं इसे सबसे पहले हमें सेव करना पड़ेगा। हम इसको डेस्कटॉप में कर लेंगे एंड प्रिंट मैं लिखूँगा रिवर्स। और किसको किसको कर सकते हैं, स्ट्रिंग एंड लिस्ट। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरी स्ट्रिंग प्रिंट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं एक और तरीके से लिस्ट को प्रिंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लेंगे str, देन यहाँ पर देंगे colon। तो ये इस तरह भी क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो स्ट्रिंग है उसे प्रिंट करवा सकते हैं। अब अगर हमें इसे रिवर्स में करना है, तो रिवर्स में करने के लिए यहाँ पर, चूंकि हम जानते हैं कि अगर आप उल्टा देखेंगे तो -1 से चालू होता है कोई भी स्ट्रिंग होती है। अगर नेगेटिव इंडेक्स किसी भी स्ट्रिंग की होती है तो वो जो स्टार्ट होती है वो राइट साइड से होती है, राइट टू लेफ्ट होती है, और ये -1 से -2, -3 ऐसे स्टार्ट होती है। और अगर आप पॉजिटिव में जाएंगे तो 0, 1, 2, 3। तो मैं यहाँ पर अगर इसको -1 कर दूँगा, मीन्स colon, देन यहाँ पर मैं लिख दूँगा -1, तो ये मेरी क्या स्ट्रिंग होगी, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं मेरी जो स्ट्रिंग है ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो चुकी है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लिस्ट को ले सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर एक लिस्ट ले लेता हूँ a = a, 2, 3, 4, 5, 6। देन क्या करवाते हैं, हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। और इसको हम देते हैं ए, तो ये हमारी स्ट्रिंग सॉरी लिस्ट प्रिंट हो चुकी है। हम इसको एक और तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं, a:: तो इस तरह भी हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। या फिर हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं प्रिंट, ये ऑलरेडी तरीका हम देख चुके हैं इस तरह। अब यहाँ क्या करें, इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए और यहाँ पर colon -1, क्योंकि हमारा सेम स्ट्रिंग की तरह हमारा जो लिस्ट होता है वो भी नेगेटिव इंडेक्सिंग से स्टार्ट होता है राइट साइड से। तो यहाँ हम इसको रन करके देखते हैं, ये आप देख सकते हैं मेरी स्ट्रिंग रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो चुकी है। तो ये हमने देखा किसी स्ट्रिंग और किसी लिस्ट को कैसे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।